Prime Minister Narendra Modi gave a very stern message on terrorism while addressing the Shanghai Cooperation Organization Meet Summit virtually in presence of Pakistan Prime Minister Shahbaz Sharif, Chinese President Xi Jinping and Vladimir Putin, the Russian President. Excellencies, आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग के से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें एससीओ के रेड्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। फर्दर फोकसिंग ऑन अफगानिस्तान, इट वाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु सेड दैट हाउ द सिचुएशन इन अफगानिस्तान हैज हैड अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द सिक्योरिटी ऑफ ऑल द कंट्रीज एंड इंडियाज कंसर्न्स एंड एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग अफगानिस्तान आर सेम एज मोस्ट ऑफ द एससीओ मेंबर कंट्रीज। एक्सलेंसी, अफगानिस्तान की स्थिति का हम सभी की सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ा है। अफगानिस्तान को लेकर भारत की चिंताएं और अपेक्षाएं एससीओ के अधिकांश देशों के समान है। हमें अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे। अफगान नागरिकों को मानवीय सहायता, एक समावेशी सरकार का गठन, आतंकवाद और ड्रग तस्करी के विरुद्ध लड़ाई तथा महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं। भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। पिछले दो दशकों में हमने अफगानिस्तान के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योगदान दिया है। 2021 के घटनाक्रम के बाद भी हम मानवीय सहायता भेजते रहे हैं। यह आवश्यक है कि अफगानिस्तान की भूमि पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैलाने या एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग न की जाए। Welcoming Iran and concluding his remarks, it was Prime Minister Narendra Modi who went ahead and stressed on the efforts that India as a country made for the chairmanship of SCO with several events engaging the different countries on different platforms. Excellency, किसी भी क्षेत्र की प्रगति के लिए मजबूत connectivity का होना बहुत ही आवश्यक है। बेहतर connectivity आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाती है। किंतु इन प्रयासों में एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों, विशेष रूप से सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना बहुत ही आवश्यक है। ईरान की एससीओ सदस्यता के बाद हम चाबहार पोर्ट के बेहतर उपयोग के लिए काम कर सकते हैं। मध्य एशिया के लैंडलॉक देशों के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंडियन ओशन तक पहुंचने का एक सुरक्षित और सुगम रास्ता बन सकता है। हमें इसका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करना चाहिए। एक्सलेंसी, एससीओ
विश्व के 40% लोगों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग 1/3 का प्रतिनिधित्व करता है और इस कारण यह हमारी साझा जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की जरूरतों और संवेदनशीलताओं को समझें, बेहतर सहयोग तथा समन्वय के माध्यम से सभी चुनौतियों का समाधान करें और हमारे लोगों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करें। भारत की अध्यक्षता को सफल बनाने में आप सबसे हमें निरंतर सहयोग मिला, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। Prime Minister Narendra Modi went ahead and said that SCO was not a mere organization or one more another organization, but an extended family, terming it as Vasudev Kutumbakam. From New Delhi, with video journalist Amit Rawat, I'm Urvishi Khona, reporting for The New Indian.